बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी पर जिन्होंने गोली चलाई थी, जिन्होंने एक फायरिंग की थी, वो अरेस्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को कल बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के मेन अध्यक्ष और हमारे देश के संसद भी है, उन पर गोलियाँ चली जहाँ पर उनकी जान जाते जाते बची है। तो ऐसे में आपसे बता दूँ एक बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिन्होंने गोली चलाई वो अरेस्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे फोटो दिख ही रहा होगा जहाँ पर पुलिस के साथ वो नजर आ रही है, दो आरोपी है, एक व्हाइट शर्ट के अंदर और एक टी शर्ट के अंदर, जब सभी को दिख ही रहा हो तब से बता दूँ ये दो आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि इसके पीछे दूसरे लोग हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन डायरेक्ट BJP से बताया जा रहा है। जैसे आप सभी को मेरे स्क्रीन पे वाला फोटो दिख ही रहा हूँ, इनका डायरेक्ट कनेक्शन BJP से बताया जा रहा है, यानी कि BJP से है, मतलब इनके BJP से ताल्लुक है। तो ऐसे में गाइस जो भी, लेकिन सियासत एंड पॉलिटिक्स अपनी जगह है और किसी की जान अपनी जगह है, मतलब किसी की जान लेना और पॉलिटिक्स एक अलग अलग है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संसद है और ये महफूज नहीं तो हम किधर, मतलब टोल नाके पे इनको डायरेक्ट फायरिंग करके इन पे हमला किया जाता, वो तो जरा से बच गए, वरना क्या होता तो आप सभी को पता है। तो गाइस मेरी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।